हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं आज नई वीडियो के साथ में। आज हम फोल्डिंग चेयर बनाएंगे। फोल्डिंग चेयर यानी कि पार्किंग जगह पे बैठने की जगह होती है, तो ये टेबल विथ चेयर का काम करेगी। तो आइए इसको सॉलिडवर्क्स पे कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम सॉलिडवर्क्स ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम नई नई वीडियो आपके लिए चैनल पर डाल सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे सॉलिडवर्क्स ओपन हो चुका है, आइए हम पार्ट ओपन कर देते हैं। पार्ट ओपन हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये फोल्डिंग चेयर विद टेबल है। देखिए आपको किस टाइप की लग रही है। एमएस एंड वुडन, एमएस का पाइप है और वुडन के मतलब यहाँ पे पेलेट लगे हुए हैं। और इसकी जो लेंथ है, आप ये देखिए 2027 से 1521 की बेस जो बन रहा है, ये इसका जो हाइट है वो 465 mm है। यहाँ से 700 780 है, 720 इसकी हाइट है। तो दोस्तों, इसको हम कैसे बनाएंगे उस पर, आइए इसको हम देखते हैं। थोड़ी वो ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट बना देंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट फेस पे आएंगे, स्केच नाउ। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल खींच लूँगा, कॉर्नर रेक्टेंगल। ओके जी, अब कॉर्नर रेक्टेंगल से मैं क्या करूँगा, 465 और 780 का मैं एक ये ले लूँगा। और उसके बाद हम इस लाइन को हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 465 हो गया और उसके बाद ये 780 आ रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल डायमेंशन है, तो हम इसको पाइप के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम यहाँ पर 30-30, 60 mm छोटे करेंगे तो 720 हो जाएगा। और इसका भी हमारा सेंटर पॉइंट आएगा 30-30, 60 mm यानी कि 405। ओके दोस्तों, 405। ओके नाउ स्टार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एल शेप में हाइट आ रहा है, तो हाइट 720 आ रही है, तो 720 यहाँ 720 आ रहा है, तो 720 माइनस हम वापस 15-15 30 mm माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो अंदर हमारा जो डायमेंशन आएगा, यानी कि ओवरऑल 720 है, माइनस हम लोग 60 mm करेंगे तो 600 यानी कि 40, और ये तो 660 660। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो लेंथ आ रही है 250 mm। ओके नाउ फ्रेंड, ये हमारा जो फ्रेम बन गया स्ट्रक्चर का, वो बन चुका है। अब इसको हम कैसे एक्सट्रूड करेंगे, हम बाहर आएंगे, अब हम वेलमेट में जाएंगे, वेलमेट करेंगे क्लिक, नाउ स्ट्रक्चर मेंबर। और ये जो हमारा जो 30x30 का अंसी इंच में नहीं है, ये हम अंसी 800 में बनाएंगे। हम स्क्वायर पाइप लेंगे, साइज हमारी 30x30 की है। अब हम कैसे लेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम 1 क्लिक करते, देखिए पाइप का शेप आ रहा है। न्यू ग्रुप करेंगे, सेकंड नंबर न्यू ग्रुप, थर्ड नंबर न्यू ग्रुप, फोर्थ नंबर, नाउ क्लिक। तो दोस्तों देखो, ये हमारा पाइप का ये स्ट्रक्चर टाइप बन गया है। अब देखेंगे यहाँ पे कॉर्नर हमारे इस टाइप के आ रहे हैं, बट हमें कॉर्नर पैक करने हैं, तो इसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम वापस अपने इसमें जाएंगे। और देखिए ये हर जॉइंट पे पॉइंट आ रहा है, तो हम इस पर जाके राइट, इस पर जाके क्लिक करेंगे। देखिए ये बॉक्स खुलेगा, इसको यहाँ 2 करेंगे ना। ये देखिए 45 का एंगल ऑलरेडी यहाँ पे कट गया है। ये देखिए इस साइड भी हम सेम पैटर्न करेंगे, यहाँ पे भी करके हम 42 कर देंगे, तो यहाँ पे इस टाइप का शेप ले लेगा 45 एंगल का। तो दोस्तों ये हमारी जो फ्रेम है, ये मोस्टली हमारी बनके तैयार हो गई। देखिए हम इस फ्रेम का हम नाम रख देते हैं इसके अंदर 34 नंबर में, और 34 नंबर पे हम लिखते हैं 1 नंबर। ओके, अब ये देखेंगे कि हमारा ये सेम स्ट्रक्चर आ रहा है। अब सेम स्ट्रक्चर कैसे मतलब करेंगे, तो ये देखेंगे ये फ्रेम हो गया, तो 30-30, 60 mm माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1485 जो लेंथ आ रही है, और 1485 आ रही है, तो हम यहाँ पर लेंथ तो एवरेजन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई फिगर नहीं है मतलब कि 5-10 mm ऐसा, तो 485 आ रही है आउटर, और 485 हम 1485 माइनस
60 करेंगे तो 1400 25 एम एम की लेंथ आएगी। तो हम इसमें आएंगे, इस फेस पे आएंगे और हम 3D स्केच किस फेस पे करेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखूँगा, ये देखिए अब ये कॉर्नर कॉर्नर पे आ रहे हैं, 1 2, और इसके बैक सपोर्ट में एक और हमारा यहाँ पे आ रहा होगा, तो हम वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर कॉर्नर पे हम कर देते हैं स्केच। तो हमने यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ये सेम इधर भी हम लाइन खींच लेंगे, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे दो ये लाइन आ गई है, तीसरी लाइन हम इसके सेंटर में आएगी, तो हम यहाँ पे ओके ये हमारी लाइन इसलिए आ गई है, 1, और फिर हम यहाँ पे लाइन स्केच करेंगे, ये देखिए इस फेस पे भी आ गया, अब हमारी इस कॉर्नर पे भी है, इस पे भी आ गया, ये देखिए, और एक सपोर्ट और हम यहाँ पर हम इस कॉर्नर पे दे देते हैं, जैसे यहाँ पर कॉर्नर पे दे रखा होगा यहाँ पर, तो ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो डायमेंशन निकाला था, वो जो डायमेंशन आ रहा था वो आ रहा था, जैसे अभी डायमेंशन आ रहा है 1485 और 3360, और हमें माइनस करते हैं तो 1485 माइनस 60 करेंगे तो 1415 डायमेंशंस हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं, 1415 ना, ये हमारा जो स्केच है बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में आएंगे, सेम यहाँ पे लगा हुआ है, हम फर्स्ट फिर न्यू ग्रुप, सेकंड न्यू ग्रुप, थर्ड न्यू ग्रुप, ये फोर्थ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर के जो हमने पाइप लगाए हैं वो सब हमारे बन के तैयार है। तो दोस्तों देखिए ये देने के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर पाइप, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट में स्लिप में जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, कौन सी बॉडी ये बॉडी अंदर जा रही है, कट बॉडी पे क्लिक करेंगे और इस बॉडी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पे पार्ट रिमूव हो चुका है, वापस जाएंगे इसमें जा रहा है ये वाली बॉडी कट एंड इस पे ये और डेन क्लिक। तो आप देखेंगे कि दोनों साइड हमारे जो पोर्शंस हैं, जो भी कॉर्नर अंदर इनबिल्ड हो रहा था, इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो हमने इससे हमने पार्ट को कट कर दिया, ये इधर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, स्लिप में जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे ना, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पार्ट को करेंगे कट बॉडी और यहाँ पे क्लिक, ये और आप देखिए यहाँ पर ये बन गया। अब हम इसके कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब मिड प्लेन, तो मिड प्लेन कैसे जनरेट करेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट नाउ सेकंड पॉइंट, और देखो ये सेंटर में आ चुका है, और यहाँ पर अभी यहाँ पर हम प्लेन पे क्लिक करेंगे और फिर मिरर में आएंगे, मिरर करेंगे और यहाँ पे पहले जो जो मिरर करना है हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो दोस्तों देखोगे कि यहाँ पर हमने जो पाइप का स्ट्रक्चर बनाया था वो मिरर हो चुका है ओवरऑल।
देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पाइप का स्ट्रक्चर पूरा बन के तैयार हो गया। अब इसको हम सेव कर लिया हमने, हम इसको सेव कर देते हैं। अब उसके बाद वापस हम न्यू फाइल ओपन करेंगे और अब हम बनाएंगे पैलेट वुडन वाला, ये जो बन रहा दिख रहा है। तो वुडन वुडन का जो पैलेट बन रहा है, तो हम इसको 400 बाई 2000 ये लेंगे, इसमें आएंगे और सेंटर रेक्टेंगल लेंगे और 400 बाई 2000 की लेंथ का ये लेंगे। स्केच के बाहर आएंगे, वही हम वेलमेंट में जाएंगे, वेलमेंट पे क्लिक करेंगे स्ट्रक्चर। अब ये देखेंगे आपके ये 50 mm वाला है, तो हमने 50 mm वाला पाइप लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पर एनसी में आएंगे और वापस स्क्वायर पाइप, देन 2 2 बाई इसमें आएंगे वापस, फर्स्ट फिर हम न्यू ग्रुप, सेकंड न्यू ग्रुप, थर्ड न्यू ग्रुप, फोर्थ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो हम जैसे आपको मैंने बताया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टू करते ये जितने भी कॉर्नर्स हैं सब कॉर्नर्स पे जाके आप करेंगे, तो ये क्या 45 की डिग्री ऑलरेडी अपने ही साइज में काट देगा। ये देखिए ये, और यहाँ क्लिक कर दें। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ये बन के तैयार हो चुका है। अब आप देखेंगे इसके बीच में हमने 400 पोर्ट, 1 2 3 4 400 पोर्ट है, तो हम दोनों तरफ 250 250 के हिसाब से यहाँ पर स्केच करेंगे। तो हम यहाँ पे भी स्केच कर सकते थे, बट हम 3D स्केच कर लेंगे, 3D स्केच करेंगे नाउ, और लाइन लेंगे और कौन सी लाइन, ये वन अब जैसे यहाँ पर लाइन आ रहा है, तो अंदर अंदर डायमेंशन नंबर जो आ रहा है वो 400। ओके अब हम ऑफसेट कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर डायमेंशन जो आ रहा है वो हमने यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ 250। ओके नाउ ओके, अब हम यहाँ पर क्या है ऑफसेट कर देते हैं, ऑफसेट एंड सरफेस कितने का करना है, 250 का ये एंटिटी लगता है। यहाँ पर ये स्केच नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर मैन्युअली कर लेंगे। हम इसको मिरर कर लेते हैं, या मिरर का एंटिटीज का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये प्लेन आ रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे, मिरर एंटिटीज कौन सा पार्ट का नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है, ये तो 500 500 पे हम ऑफसेट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे 500 ना, फिर स्केच ना यहाँ पर 500 और फिर कॉपी और फिर यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे मिड लाइन से लेकर वापस और फिर हम वापस इसमें आके मिड लाइन लेंगे और 200 और ये लाइन जो आ रही है हम उसको रिमूव कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने ये डाल दिया, हमसे हम वापस स्केच के बाहर आएंगे, मेंबर स्ट्रक्चर में जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या है वापस IOC में जाएंगे
और यहाँ पर हम वापस स्क्वायर बीम, और यहाँ पे जो लेंगे हम वो 20 बाई मतलब 20 एम एम बाई 20 एम एम का लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वापस हम यहाँ पर बाकी हम यहाँ पर 20 बाई हम स्क्वायर की जगह हम सी चैनल पे जाएंगे, पाइप रेक्टेंगल ट्यूब में जाएंगे और यहाँ पर 30 बाई 50 का कर देते हैं। ओके तो 30 बाई 50 का करेंगे, आईएसए में जाएंगे और सेम टू नंबर थ्री वापस हम स्ट्रक्चर मेंबर में जाएंगे, फर्स्ट न्यू ग्रुप, सेकंड न्यू ग्रुप, थर्ड न्यू ग्रुप। ये अब देखिए यहाँ पर ये इस टाइप का आ रहा है, तो इसको हम पर्टिकुलर एक एक करके इसको हम इसका लोकेशन चेंज कर देंगे। तो जैसे मिरर आ रहा है तो मिरर का मिरर वैसे हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको 90 कर देंगे। वापस ऊपर आएंगे, जिसका ग्रुप का करना है वापस ये, फिर थर्ड नंबर भी 90, दें फोर्थ नंबर भी 90। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमें क्या है इसका फेस इससे मिलाना है। ओके तो उसके लिए क्या करेंगे हम वापस इसी के इसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम बॉटम में आएंगे, हम लोकेशन पूजा लोकेट पे क्लिक करेंगे और हमने लोकेट जैसे सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर लगता है कोई पॉइंट आ नहीं रहा है, क्या चक्कर पड़ रहा है, वंस मोर चेक। एक बार इसके आने से पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे जो, तो हम उसको इसमें आके डायरेक्ट स्लिप में आके फिर हमारे ये फेस नाउ कट बॉडी इसको एक बार इसको सेट कर लेते हैं और बॉटम में जाएंगे लोकेट, ओके सेम इसका हम इधर भी ऐसे करेंगे, हम आप इसमें भी जाएंगे सेकंड और उसके लॉकेट पोजीशन और फिर यस इसमें भी आएंगे सेम, हम यहाँ पर तीसरा करेंगे यहाँ पे लॉकेट पे क्लिक करेंगे नाउ यस, और सेम चौथे में भी हम आएंगे और चौथे में भी आएंगे लॉकेट करेंगे और फिर ये नाउ क्लिक। तो आप देखेंगे हमारा जो पार्ट है वो नीचे चला गया, अब यहाँ पर ये जो दिक्कत आ रही है उसको हम एक बार चेंज कर लेते हैं, स्लिप नाउ कट बॉडी
ये कट एंटिटीज, क्लिक नाउ, क्लिक इधर भी हम सेम एसेस करेंगे, वापस स्लिप्ट, जिस कट से सेकंड पार्ट, ये कट बॉडी, क्लिक नाउ, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ से कट बॉडी, ये जो स्लिप कट बॉडी, इस प्लेन से कट, ये कट कट, यहाँ पे भी स्लिप्ड, ये कट, सेम ऐसे ही हम इधर भी कर लेंगे, इसके आगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये नाउ कट, स्लिप्ड, ये स्लिप, ये कट, ये। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो ये पैलेट है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसके हम क्या है, ये देखिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वुडन के प्लेट लगा देंगे, तो एक्सट्रूड करेंगे, इस प्लेन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एवेल्यूएट में जाके इसकी हाइट देख लेते हैं कितनी एमएम हाइट आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल हाइट आ रही है वो 22 mm आ रही है, ओके, तो हम 22.8 आ रही है, तो हम आराम से यहाँ बना सकते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे तीन पट्टे आ रहे हैं, तो तीन पट्टे हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर, एक्सट्रूड की स्केच में आएंगे, कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे और इसके अंदर से हम तीन पट्टे डिजाइन कर लेंगे, 1, 2, ये देखें। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन ले लेते हैं, पहले हम इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर पे जो डायमेंशन आएगा वो हमारा यहाँ पर 10 mm, नाउ इसका जो स्केच का डायमेंशन है 100 mm, फिर वापस हम यहाँ पर एक प्लेट से 10 mm, फिर वापस हम यहाँ पर 100, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ पर 100, और ये देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर 100 और ना यहाँ पर 15 mm, और ये हमारा क्लिक, और इसके बाद एक्सट्रूड कर देते हैं, बाईस एक्सट्रूड, ये देखिए दोस्तों यहाँ पैलेट बन गया है। अब हम तीनों प्लेट जो एक्सट्रूड को क्लिक कर लेंगे, मेट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आके जो हमारा जो ऑर्गेनिक में जाके और वुड में जाके और यहाँ पे हम चेरी क्लिक कर दें। तो दोस्तों आप देखेंगे, देखिए हमारा ये वुडन के पैलेट लग गए हैं और बाकी हमारे जो सारे पार्ट हैं हम इसको सेट कर लेंगे, इसमें स्केच में जाएंगे और यहाँ पर हम मेटल में, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग जो आ रहे हैं जो भी कुछ, तो हम मेटल में जाएंगे और यहाँ पर हम आयरन एंड हील और क्लिक। तो देखिए ये हमारा जो पैलेट है वो बन के तैयार हो गया है, ये देखिए इसको सेव कर लेंगे और इसको 2 नंबर से पार्ट से सेव कर देंगे, इसको सेव कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हम इसको कट करेंगे, अब हम इसको असेंबल कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ आएंगे, असेंबल पे क्लिक करेंगे, ये असेंबल में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर वापस क्लोज करेंगे, इंसर्ट, अब जैसे हमने 1 नंबर क्लिक किया है इस पर जो हमने फ्रेम बनाई है वो क्लिक करेंगे और हम पहले इसको लोड कर देंगे, फिर हम इसको ओरिजिन से ओरिजिन सेट कर देंगे, इसका 0 ओरिजिन
इसका ओरिजिन दोनों मिला देंगे, मैट करवा देंगे। ओके नाउ अब जो हमारा जो अब यहाँ पर हम कैसे इसको सेट करेंगे, आगे हम आएंगे, उसके बाद हम वापस क्लोज करेंगे। इंसर्ट कंपोनेंट, वापस टू नंबर, ये अब हम इसको रोटेट कर देंगे, ये नाउ क्लिक। और ये देखें अब हम इसको मैट करवा देते हैं। मैट करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एडवांस मैट में जाएंगे, विड्थ वाले पोर्शन को हम मैट करें, फर्स्ट पॉइंट नाउ सेकंड पॉइंट। तो हम इसका भी क्या करेंगे, इसका भी हम फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक। अब हम क्या करेंगे, वापस मैट करवाएंगे किसका, इस पॉइंट से हम इस फेस का, ये देखिए। अब हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम उधर हमारा जो रहेगा जैसे, तो हम 674.66 इधर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर 200 mm, नाउ क्लिक कर देंगे और मैट क्लिक करेंगे और इस फेस से इसके इस फेस को क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे अभी ये इसके मेजरमेंट पे नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको सेव कर लेंगे, इसको असेंबली 1-2 के नंबर से सेव कर लेंगे और इसको हम वापस जाएंगे इसके अंदर। तो इसको हमें क्या है 50 mm, इसको इस स्केच को हमें मूव करना है, दोनों ही इनसाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करें, हम वापस अपने ऑब्जेक्ट में जाएंगे, हम वहाँ पे भी कर सकते हैं बट हम अपने ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये जी। अब इसमें जो हमने स्केच बनाया ये 3D स्केच, इसमें जाएंगे एक स्केच पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 250x300 कर देंगे। सेम हम यहाँ पे भी इस साइड भी हम फर्स्ट सेकंड और यहाँ ये हमारा जो मैट है इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर लाइन क्लियर हो गया, जैसे यहाँ पर आ रहा है 450 और यहाँ पे भी हमारा जो लाइन आ रहा है 450। तो ऑलरेडी यहाँ पर मतलब जो हमें डायमेंशन चाहिए शायद 300। अब हम यहाँ पर असेंबली में चेक कर लेंगे, तो असेंबली में यहाँ पे तो हमारा है नहीं, यहाँ पे भी स्केच में वापस आएंगे यहाँ 3D स्केच, यहाँ पे आएंगे वहाँ पे 550 449, और इसको भी हम बाहर से यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे और इसको भी डिलीट कर लेंगे और इसको 350। ओके नाउ क्लिक और
हम यहाँ पर इसके चले पार्ट में आएंगे। अब हम यहाँ पर इसकी लोकेशन हम चेंज कर देंगे यहाँ पर। इसको मिरर कर देते हैं। ओके, नाउ फोर्थ नंबर वाले को भी हम इधर मिरर कर देते हैं। नाउ क्लिक एंड पोजीशन विल बी चेंज। ओ गॉड, यहाँ पर जो डायमेंशंस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं वो डायमेंशन यहाँ से यहाँ पे जो डायमेंशन आ रहा है वो 29 यानी कि हमें 15 mm और इधर करने पड़ेंगे। इसमें आके थ्री थ्री फाइव। ओके, नाउ यहाँ पर हम और कर सकते हैं यहाँ पर 3 3। ओके, यहाँ पे हम वापस स्केच में आएंगे। पाँच अंदर हो गया, फिर हम वापस आएंगे 3 3 3। वापस हम यहाँ पे अपने उसमें जाएंगे। तीन सौ 33 आ गया तो 328। तो यहाँ पर 2 mm का और अंतर आ रहा है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं मगर छब्बीस हो गया तो 4 mm इधर ले लो यार। तीन सौ थ्री थ्री टू बस रेडी। तो ना दोस्तों यहाँ पर ये देखो प्लेट हमारा वुडन प्लेट यहाँ पे हमने यहाँ पे रख दिया। हम इसके जो भी लाइन आ रहे हैं इसको हम हाइट कर देते हैं तो थोड़ा सा ये आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए
और जो हमने यहाँ पर ये जो इसको क्लिक कर लेंगे, और इसका भी हम क्या करेंगे, स्केच में इसमें आके मेटल में आके हम आयरन में जाके इसको भी हम कलर चेंज कर दें। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो वुडन है ये तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर हम सेव कर लेंगे, और नेक्स्ट हम वापस हमारा जो अभी जो हमने यहाँ पर वुडन जो पैलेट बनाया है इसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम वापस पेस्ट कर लेंगे। और पेस्ट तो यहाँ पे ये मेरी कॉपी हो गई है। अब इसको हम वापस क्या करेंगे, असेंबल में आएंगे, इसको करेंगे क्लिक, नाउ क्लिक, और ऐसे अब यहाँ पे आएंगे, और इसके अंदर हमारे जो इसको हम ओपन करेंगे, और ये देखिए अब इसके अंदर हमारा जो एक्सेस करना है वो हम करेंगे इसके अंदर। तो हमने इसको खोल लिया, पहले हम असेंबली में जाएंगे और फिर इसको रोटेट कर लेंगे ये, और रोटेट में हम लोग यहाँ पर एडवांस में आएंगे, और इसके बाद विड्थ में क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, और इसका भी हम फर्स्ट एंड सेकंड, और हम इसके पार्ट से मैट करवा देंगे, फर्स्ट ये मैट करवा देंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्लिक, और इसको हम ये देखिए ये यहाँ पर लग गया है। अब इसको हम आगे ले लेंगे, इसको कितना लेंगे वो हम एक बार डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे और इसको इस फेस से, और हमें इसको कितना लेना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसमें आप देखेंगे ये दिख रहा है आपको, तो 150 mm हमने इसको यहाँ से हमारा रहेगा, तो हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर 800 800 या 200, 200 नहीं 300, तो ये देखिए 300 हमने mm लेची के ले लिया, इसको ओके कर, और अब हम यहाँ पे क्या है इसके अंदर हम होल करेंगे। ये देखिए ये साइड में यहाँ पे जो आ रहा है वो 150 पे आ रहा है, तो यहाँ पर हम 50 mm पर होल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस प्लेन पे जाएंगे, एडिट पार्ट, नाउ हम इसमें जाएंगे एक्सट्रूड कट पार्ट पे क्लिक, यहाँ पे हम 50 mm की हाइट लेंथ पे हम यहाँ पर 14.5 का होल करेंगे, 14.5 का इस लाइन को हटा देंगे, एक्सट्रूड कर देंगे, और कितना करेंगे हम यहाँ पर थ्रू होल कर देंगे एंड क्लिक। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो होल आना था वो इस पे आ चुका है, तो इस पे भी देखिए हमारा सेम पोजीशन पे आ गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अब मेरे को इस पार्ट पे दो जगह एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड करना है तो हम इसको इसमें आएंगे, एडिट पार्ट, फिर है यहाँ पे फीचर्स, एक्सट्रूड प्लेन, जाओ
अब हम यहाँ पर कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं, और कॉर्नर रेक्टेंगल से तो अब यहाँ पर जो हमारा जो डायमेंशन है, जैसे हमने 40 mm और यहाँ पर 8 mm ले लिया, सेम हम यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पर अब इसको हम एंटीड इसको मिरर कर देंगे, इसको मिरर करें यहाँ से और इसे स्केच को कर देंगे ये, और क्लिक, और हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। कितना एक्सट्रूड करेंगे कि जैसे हमें करना है यहाँ पर एक्सट्रूड नाओ, हमें 150 mm करना है तो हम 200 mm कर लेंगे, क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ये सेम इधर हो चुका है। अब हम इसके अब एक हम यहाँ पर सबसे पहले हम एक प्लेन जनरेट करेंगे यहाँ पर। तो प्लेन जनरेट करने के लिए हम क्या है, इसमें प्लेन फर्स्ट तो हम किस में करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे प्लेन जनरेट हो चुका है। और अब हमें हमने जैसे इस प्लेन को इस प्लेन पे क्लिक करेंगे, मिरर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पोर्ट को और क्लिक, तो देखेंगे इस साइड भी हमारा ये होल आ चुका है। और उसके बाद इधर आएंगे और यहाँ पर एक शॉर्टकट पे क्लिक होल करेंगे, यहाँ पे आएंगे 50 mm पे, यहाँ पर नाओ यहाँ पर हम होल कर लेंगे और यहाँ पर 14.5 का होल रहेगा। नाउ क्लिक क्लिक, और हमने इसको थ्रू होल कर देंगे और ये तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दोनों साइड हमारे होल हो चुका है। और इन पार्टों को वापस में सेलेक्ट करके जो भी हमने एक्सट्रूड किया है, और इसको हम वापस कलर में जाएंगे, मेटल आवरण सेम ऐसा ही होगा, और ये वाला भी मिरर वाला पार्ट भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे आएंगे और इसको आयरन पे क्लिक करेंगे ना ये, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये बन के कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद फिर इसको यहाँ पर इस प्लेन को क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे और फिर इसका ये भी डिलीट कर देंगे, और ये भी डिलीट कर देंगे। तो जो भी हमने इसको मेट करवाया था उसको हम डिलीट कर देंगे, और फिर इसको वापस हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे, और हम क्या करेंगे मेट में आके कॉन्सेंट मेट इसको करेंगे, मेट करवाएंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट, और दोस्तों ये देखिए। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर हमारा ये जो वुडन पैलेट वाला जो टेबल है ये डिजाइन हो चुका है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको हम इसको यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट इस पे
नाउ सेकंड पॉइंट इस पे, देन क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे बाहर आएंगे और इसको हम रोटेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, उससे पहले इसको रोटेट करके हमें चेक करना है, तो हम फर्स्ट हम रोटेट करने के लिए हम इसमें मिरर करेंगे और इसको इधर आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये देखिए, तो आप यहाँ पर इस टाइप से करेंगे तो ये देखिए, ये इस टाइप का हो जाएगा। बाकी आपको जैसे आपको इस टाइप का करना है तो मैट करके मैं आपको बताता हूँ। ये मैट ना, ये और इस वाले फेस पे। तो दोस्तों देखेंगे, ये देखिए, तो ये देखिए, ये आपका चेयर्स हो गया, लेंथ वाली चेयर्स हो गई। और जब आप इसको रोटेट करेंगे वापस, हम इसके जो भी हमने अभी लास्ट वाला लगाया, पहला वाला, उसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं, इसका जो मैट करा रखा है, और फिर हम वापस इसको रोटेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये रोटेट, तो ये टेबल जैसा हो जाएगा फेस शेप इसका, और इसको हमें वापस पोजीशन पे लाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए। और प्लीज़ जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम नई नई वीडियो आपके लिए चैनल पे डाल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।